तो गाइस आज मैं शिनचैन और चॉप आए हैं एक नाइट पार्टी के लिए जो कि रखी गई है बीच पर। और जरा उन दोनों को तो देखो, वो लोग कब से नाच रहे, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। पता नहीं इन्हें नाचना इतना भी क्या पसंद है। अबे यार बस करो वरना बहुत ज्यादा थक जाओगे। और तुम लोगों को ठंडी नहीं लग रही क्या? मैं तो कब से पछता रहा हूँ कि हुडी पहन के नहीं आया। अरे क्या ठंडी फ्रैंकलिन भैया, हमें तो उल्टा नाच नाच के गर्मी लग रही है और बहुत मजा आ रहा है। मैं तो बोलता हूँ आप भी आ जाओ, तीनों मिलकर नाचेंगे और उसके बाद भूख लगेगी तो खाना खाएंगे, उसके बाद फिर से नाचेंगे। आज तो पूरा दिन यही करूंगा। शिनचैन पूरा दिन नहीं पूरी रात, क्योंकि दिन में तो ये पार्टी खत्म हो जाएगी। नाचो नाचो, जोर जोर से नाचो, तब तक रुकना बिल्कुल भी नहीं। अबे यार ये लोग नहीं सुधरेंगे, इनकी क्या बात करूं गाइस। बाकी सबको देखो, कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा। कोई ग्रुप बना के बातें किए जा रहा है, तो कोई खाना खाने की लाइन में लगा हुआ है, जैसा कि आप लोग देख ही सकते हो यहाँ पर। और जरा वहाँ पर उस आदमी को तो देखो, ये इतनी ठंडी में पूरा नंगा खड़ा है। अबे यार इसको ठंडी नहीं लग रही क्या? भाई साहब जाके कुछ पहन लो। यहाँ भी लोग चिल कर रहे हैं। ओ भाई यार जरा यहाँ देखो गाइस, ये लोग पार्टी में योगा कर रहे हैं। पता नहीं लोगों के कैसे कैसे शौक होते हैं। और गाड़ियाँ भी एक से एक आई हुई है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हो गया, घर जाना चाहिए। फ्रैंकलिन भैया यहाँ पर आओ। एक मिनट, ये चॉप क्यों चिल्लाया? अबे यार ये शिनचैन को क्या हो गया है? वो ऐसे बेहोश क्यों पड़ा है? शिनचैन ठीक तो है ना तू? चॉप इसको क्या हुआ है? अरे पता नहीं फ्रैंकलिन भैया, हम लोग नाच रहे थे, फिर अचानक से एक दीदी आई और उसने हमें कुछ खाने के लिए दिया। मैंने तो खाया नहीं, पर शिनचैन ने खा लिया और फिर इसका पेट खराब हो गया है। अब ये कब से पेट पकड़ के लेटा हुआ है। अबे यार मैंने कितनी बार कहा है कि कोई खाने की चीज दे तो खानी नहीं चाहिए, और इतनी क्या भूख लगी थी? यहाँ पर स्टॉल है ना। चलो गाइज एक चीज अच्छी है कि यहाँ पर डॉक्टर की भी व्यवस्था है। डॉक्टर अंकल एक बात बताइए, ये ठीक तो हो जाएगा ना? अरे नहीं नहीं चिंता मत करो, इसे बस गैस हुई है। अबे यार फालतू टेंशन ली। एक मिनट यार, अब किसका फोन आ रहा है? साइमन। हाँ बोल भाई। अरे फ्रैंकलिन मेरी बात सुनो, मेरे पास तुम्हारे लिए कमाल की चीज है। क्या बात कर रहा है, क्या है? मेरे पास एक विंटेज बाइक आई है, तू बोले तो उसे रखूं वरना बेच दो। अरे नहीं नहीं रखना, मैं आके उसे लेकर जाऊंगा। अच्छा अच्छा ठीक है, पर पक्का कल आ जाना। अरे हाँ आ जाऊंगा। चलो गाइस कल जाके वो विंटेज बाइक लेनी है। डॉक्टर अंकल क्या मैं इसे लेकर जा सकता हूँ अभी घर पर? मुझे जल्दी सोना है, फिर कल कहीं निकलना है। अरे हाँ हाँ तुम बिंदास लेकर जा सकती हो, इसे कुछ भी नहीं हुआ है, ये सुबह तक ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो गाइस सुबह हो चुकी है। ओ एक मिनट, शिनचैन का पेट दुख रहा था रात को, जाकर उससे उसका हालचाल पूछ लेता हूँ। ओ गाइस वो रहा, ये दोनों जन तो पानी के अंदर नहा रहे। तू ठीक तो है ना? रात को तेरी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, नींद तो आई थी तुझे, या फिर पूरी रात पेट पकड़ के बैठा रहा? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, मुझे तो बहुत ही अच्छी नींद आई थी। और तुम्हें तो आएगी ना अच्छी नींद, तुम्हारे बाजू वाले को पूछो, पात पात के पूरी हालत खराब कर दी थी मेरी, एक दो बार तो मेरे मुंह पर भी पात दिया था। अरे चुप, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना किया था, कल मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी। हाँ तो क्या तुम मेरी भी कर दोगे? ये बहुत ही गलत बात है, अगली बार ऐसा हो तो मुझसे अलग सोना। अबे यार ये झगड़ा बंद करो और मेरी बात सुनो, मुझे जाना है साइमन के यहाँ पर, उसके पास एक विंटेज बाइक आई है तो मैं उसे लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है फ्रैंकलिन भैया, पर टाइम पर आ जाना। हाँ हाँ, और झगड़ा मत करना, मैं जल्दी लौटूंगा। चलो गाइस चलते हैं फटाफट, पता नहीं कैसी विंटेज बाइक होगी। फिलहाल तो गाइस हम लोग अपनी बाइक के पास जाते हैं, वही हमें वहां तक लेकर जाएगी। तो ये रही, जल्दी से बैठते हैं, स्टार्ट हो जा। ये बाइक कब से मेरे पास, पर अभी भी पहले जैसी ही चलती है, बिल्कुल भी खराब नहीं हुई। और ऐसा भी हो सकता है शायद कि मैं गाड़ी ज्यादा लेकर जाता हूँ इसलिए बाइक खराब ही नहीं होती। एक तो गाइस जो हम लोग बाइक लेने जा रहे हैं, सॉरी विंटेज बाइक, मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि वो कैसी दिखती होगी, कितनी पुरानी होगी, उसका प्राइस क्या होगा, वो अभी तक चलने वाली कंडीशन में होगी या नहीं। अब सारे सवालों के जवाब हमें एक ही जगह पर मिलेंगे, साइमन के डीलरशिप पर। तो अब चुपचाप चलते वहां पर सीधे, जैसी होगी ले लेंगे, अपने कलेक्शन में एक और नई चीज आ जाएगी, इससे ज्यादा क्या ही चाहिए गाइस। अब फटाफट भगाते हैं बाइक को। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए, अब यहाँ पर पार्क करते हैं, ये जगह एकदम ठीक रहेगी। ये ले साइमन मैं आ गया हूँ, फटाफट से मुझे बता कि वो बाइक कहाँ पर है। और ये खटारा बाइक किसकी पड़ी है यहाँ पर, भंगार में बेचने निकाला है क्या? आरा नहीं, यही तो वो विंटेज बाइक है। क्या अबे तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? ये विंटेज बाइक नहीं भंगार बाइक है, ऐसा लग रहा है अभी टूट के बिखर जाएगी, कितना जंग लगा हुआ है इस पर। देखो अब मेरे पास यही बाइक आई है और मैंने तो सुना है कि इसके अंदर कोई जादू भी है। ये क्या बकवास कर रहा है, जादू वादू जैसी कोई चीज नहीं होती है, पक्का ये विंटेज ही है ना? और चलेगी पक्का? हाँ पक्का चलेगी,
तुम चला कर तो देखो। अच्छा ठीक है, फिर मैं ये खरीद रहा हूँ, पैसे बाद में दे दूंगा। चलो गाइस निकलते यहाँ से। देखो दिखने में तो बहुत ज्यादा खटारा लग रही थी, पर चल बराबर रही है। बराबर छोड़ो, एकदम मक्खन चल रही है। ये तो मेरे बाइक से भी अच्छी चल रही है। इसका मतलब हमारा पैसा डूबा नहीं है, वसूल तो किया कम से कम हम लोगों ने। अब ये भी जाएगी मेरे कलेक्शन में, उसके बाद मैं निकल पड़ूंगा एक नई बाइक की तलाश में, जो इससे भी अच्छी हो, इससे भी पुरानी हो, या फिर एकदम नया मॉडल हो। वैसे नए से ज्यादा मुझे पुरानी बाइक ज्यादा पसंद है। अबे एक मिनट, ये क्या हो रहा है? ये बाइक मुझे कंट्रोल कर रही है कि मैं इसे कंट्रोल कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ये अपने आप यहाँ से वहाँ हो रही है, लगता है टायर में हवा बराबर नहीं होगी। नहीं यार, तो भी इतना आड़ा टेढ़ा थोड़ी चलती है, कुछ और प्रॉब्लम है। अबे अबे यार ये क्या हो रहा है? रुक जा। नहीं, ये अपने आप स्पीड कैसे हो रही है? अबे आ गया, कुछ नहीं है। गए गाइस यार, नहीं, बहुत जोर से गिरने वाले भाई साहब। नहीं, अबे यार एक्सेलेटर का वायर तो नहीं टूट गया था? अबे वो बाइक कहाँ पर गई उड़ के? मुझे जल्दी से जाना होगा उसके पास। अबे ये अपने आप चल रही है और हमारी तरफ ही आ रही है। साइमन ने एकदम सही कहा था, इसके अंदर पक्का कोई जादू है, ये तो सामने आके खड़ी हो गई। देखो अब मुझे इस पर बैठने से थोड़ा डर लग रहा है, एक काम करता हूँ चुपचाप इससे दूर चला जाता हूँ, वही हमारे लिए ठीक रहेगा। अबे नहीं, ये तो पीछा कर रही है। भागो। अभी देखता हूँ, अभी भी पीछे आ रही है। अबे यार ये क्या मजाक है, दूर हो जाए यार मुझसे। ऐसे नहीं चलेगा गाइस, भाग नहीं पड़ेगा यहाँ से, इससे पीछा छूटे भाई। अबे फिर आ गई, उसको दुश्मनी क्या है मुझसे? मैंने तो कुछ किया भी नहीं, उल्टा इस बाइक ने मुझे उड़ाया था। देख प्यारी बाइक रुक जा प्लीज, मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ और नहीं तेरे साथ आऊंगा। अबे यार पक्का इस बाइक पर कोई तो काला जादू टोना हो। आउच, अबे यार इतना दूर से कैसे ठोक दिया? इस पर कोई काला साया वाया तो नहीं है ना? अबे यार क्या कर रही है, मैंने तो कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। मेरी बात सुनो। एक मिनट गाइस, ये आवाज कहाँ से आई? ये आवाज मुझ में से आई है, इस बाइक में से। अबे यार ये बाइक बोल कैसे रही है? सच्ची बताओ तुम कौन हो? बेवकूफ मेरी बात सुनो, मैं कोई काला साया वाया नहीं हूँ, पहले तुम मुझ पर बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं बैठूंगा। यार ठोक क्यों रहा है, मैं बैठ रहा हूँ, नहीं जाऊंगा कहीं पर। जो करना है जल्दी करो। हाँ करता हूँ। गाइस भागो, यही मौका मिला है, वो हमसे दूर चला गया था। पकड़ के दिखा गाइस, लगता है उसे पता चल गया। अब यार प्लीज रुक जा। अच्छा ठीक है, नहीं भागता। यार बोला नहीं भाग रहा हूँ। मैंने कहा मुझ पर आकर बैठो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। मेरा मकसद तुम्हें नुकसान पहुँचाना नहीं है, मैं तो खुद फंसा हुआ हूँ। एक मिनट, फंसा हुआ हूँ? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूंगा, मतलब तुम मुझे कुछ भी मत करना, मैं आकर तुम पर बैठता हूँ। चलो गाइस चलते हैं, वैसे ही हमें जाने तो देगी नहीं, या फिर जाने देगा नहीं। अब बताओ तुम हो कौन और तुम्हारे अंदर से आवाज कैसे आ रही है? अब सुनो, मेरा नाम जस्टिन है, मेरा एक परिवार था जिसमें कमाने वाला मैं अकेला ही था। एक दिन मैं काम से बाहर जा रहा था इसी बाइक पर बैठ के, ये बाइक मुझे बहुत प्यारी थी, पर फिर अचानक से एक ट्रक सामने से आई और हमारा एक्सीडेंट हो गया। उस दिन मेरी जान चली गई, पर मुझे इस बाइक से इतना प्यार था कि मेरी आत्मा इसमें ही अटक गई, तब से मैं इसके अंदर फंसा हुआ हूँ। क्या बात कर रहा है? हाँ इस बाइक को चलाने वाला मैं ही हूँ, पर लोगों को लगता है कि ये अपने आप चलती है। अच्छा वो सब तो ठीक है, पर तुम मुझे लेकर कहाँ जा रहे हो? मेरे छोटे भाई के घर पर। ओके तो गाइज हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ पर एक अंकल खड़े है। अंकल जी जरा एक बात बताइए, आप जस्टिन के छोटे भाई हो क्या? और इस बाइक को आपने कहीं देखा है पहले? एक मिनट, ये तो मेरे बड़े भैया की गाड़ी है, पर ये तुम्हारे पास क्या कर रही है? तुम कौन हो और तुम्हारे पास ये कैसे आई, मुझे जल्दी से बताओ। अरे दरअसल बात बहुत लंबी है, मैं आपको बस इसे लौटाने आया, इतना समझ लो। वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हो? मेरे बड़े भैया के जाने के बाद हमारी हालत बहुत खराब हो गई थी, क्योंकि कमाने वाला बस वही था। उसके बाद मैंने काम शुरू किया, पर वो काम इतना चला नहीं, अब हम कर्जे में डूबे है, हम बहुत ही गरीब हो चुके हैं। पता नहीं हमें इससे कौन बाहर निकालेगा, अगर मेरे बड़े भैया होते तो वो हमारे लिए जरूर कुछ करते। देखो आप चिंता मत करो, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको फिर से अमीर बना के छोड़ूंगा, आप बस मुझे थोड़ा सा टाइम और अपनी ये बाइक दे दीजिए। तुम्हें जैसा ठीक लगे, पर तुम्हें हमारे लिए ये सब करने की जरूरत नहीं है, बाइक तुम वैसे भी ले सकते हो, बस बीच बीच में लेकर आते रहना। अरे नहीं नहीं, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। चलो गाइस निकलते हैं यहाँ से फटाफट। एक बात बताओ, तुमने उनसे वादा तो कर दिया है, पर तुम इतने पैसे लाओगे कहाँ से? अरे यार मेरा एक दोस्त है जो रैम चैलेंज ऑर्गेनाइज करवाता है, हम वहाँ पर जा रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैक्स मेरी बात सुनना, मुझे ये रैम चैलेंज करना है,
बस इतना बता दे कि इनाम कितना है, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। अरे फ्रैंकलिन, ये रैंप बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पीछे जो तुम सारे लोग देख रहे हो, इनमें से कोई भी करने को रेडी नहीं है, क्योंकि इनका कहना है कि ये बहुत ही ऊपर है, गलती से अगर नीचे गिरे तो सीधा ऊपर पहुँचेंगे। अरे यार, तू मुझे प्राइस बताना कितना है, बाकी की बातें छोड़। देख, प्राइस तो $10,00,000 है, अगर जीत गया तो बहुत अच्छी बात है, पर सोच समझ कर ही पार्ट लेना। देखो गाइस, इसके हिसाब से इन सब ने हार मान ली, पर मैं नहीं मानने वाला, हमें बहुत ज्यादा जरूरत है, जो होगा देखा जाएगा। चलो चलते हैं, ये शुरू हो चुका है, बस आराम से काम करना है, क्योंकि इसने बोला था अगर नीचे गए तो सीधा ऊपर का टिकट कटेगा। चलो चलो आराम से। ओ भाई साहब, यहाँ पर कितनी सारी ब्लेड्स है। अभी मैं समझा कि उन लोगों ने मना क्यों किया, वो भी इतना मोटा इनाम होने के बावजूद। चलो चलो, इसमें तो गिरने का बहुत ज्यादा चांस है, आप लोग देख रहे हो कितने कॉर्नर कॉर्नर से जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये लोग आपस में जुड़े ही यहीं से। चलो चलो चलो, फिसलना नहीं है, थोड़ी सी स्पीड रखनी पड़ेगी, वरना लुढ़कते हुए जाएंगे नीचे। अब यहाँ पर थोड़ी मुश्किल होने वाली है, और ये निकलेगा। ओ भाई यार, थोड़ा सा लग गया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अबे यार, ये तो काफी पतली चीज थी, मैं आर पार हो रहा था। छोड़ो, और अच्छी बात है, मुझे लगता है सिर्फ बहकाने के लिए रखा था, ताकि डर के मारे लोग आगे ना जाए। चलो चलो चलो, और ये ओ गाइस, और एक के ऊपर एक बस रखी हुई है, वो भी टेढ़ी। चलो 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 चलो, अब यहाँ से जाब, और ये, और उसी के साथ गाइस ये रहा वो पूरा इनाम, हमने कर दिखाया। मुझे तो लगा था मुझसे होगा नहीं। चलो अब जल्दी से इस इनाम को उठाना होगा और यहाँ से निकलना होगा, ताकि मैं उस फैमिली की मदद कर पाऊँ। क्या बोलते हो जस्टिन, कैसा लगा? तुमने कमाल कर दिया है, मैंने सोचा नहीं था तुम जीत पाओगे, पर तुमने मुझे बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। तो गाइस, हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, और ये लीजिए भाई साहब, ये पैसा आपके भाई ने आपको दिया, बस इतना ही समझ लीजिए। अब आपको ज्यादा दिन गरीबी में रहने की जरूरत नहीं है, आप इससे नया काम शुरू कर सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, मुझे पता नहीं था कि तुम मेरे लिए ये करोगे। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत दुख देखा है, तुमने सारे दुखों को दूर कर दिया। तुम से बड़े तो नहीं हो, पर काम तुमने मेरे बड़े भाई वाला किया है, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। तुम्हें चाहिए तो तुम ये बाइक रख सकते हो। नहीं नहीं, ये बाइक आपके पास ही रहने दीजिए, ये आपकी अमानत है। चलो, मैं आपसे आके बाद में मिलूंगा। तो गाइस यार, आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, उसी के साथ हमें फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम पर आईडी स्क्रीन पर आ रही होगी या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। तो मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद।